हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ द क्लास ऑफ नाइन्थ क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न इन द ग्रामर टाइम एंड टेंस, इन विच आई टॉट यू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अर्थात पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, चूंकि आप नाइन्थ क्लास के हैं, मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो लोग, जो विद्यार्थी टेंस पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, तो ये जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछने के कितने तरीके होते हैं? मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके होते हैं, जिसको हम लिखेंगे यहां काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं, पहले को हम बोलते हैं यस नो टाइप, फिर दूसरे को हम जानते हैं डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। अर्थात सभी लोग जानते हैं ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज नोन एज यस नो टाइप एंड सेकेंड इज नोन एज डब्ल्यू एच टाइप। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड वाट इज द थर्ड टाइप? थर्ड टाइप इज हु टाइप। हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अर्थात यदि आप मुझे जानना चाहें तो मैं यह बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन प्रकार का होता है, यस नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप और हु टाइप। क्यों होता है मैं इसको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। यस, यदि हम इसको देखें तो यस मींस हां, नो मींस ना, टाइप मींस प्रकार और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हां ना प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। इसको आप डिटेल्स लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे आप हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो और जिनका उत्तर हां या ना में आवे, उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यू एच टाइप, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हों, जैसे कब, कहां, कैसे, कितने बजे, किस समय आदि, क्यों, किसके कारण आदि, ये डब्ल्यू एच टाइप में आएंगे। डब्ल्यू एच टाइप मतलब प्रश्नवाचक शब्द। और तीसरा जो है हु टाइप, मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह आप हु का रूल अलग पढ़ेंगे, हु लिखेंगे और टेंस के अनुसार आगे लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया। तो ये बहुत कंफ्यूजन में डालता है विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को, सीखने वाले को, जानने वाले को, इसलिए मैंने इसको अलग ही कर दिया है कि
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का नहीं तीन प्रकार का होता है, क्योंकि हम उसको अलग पढ़ते हैं, इसलिए जरूरी है कि उसको अलग कर दिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कौन, किसने, किन्होंने, कौन कौन आया हो, उसे हम कहते हैं हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम रूल लिखेंगे। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये तो मैंने आपको बताया यस नो टाइप हिंदी वाला, लेकिन अंग्रेजी वाला भी होता है। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? जब अंग्रेजी का वाक्य किसी न किसी सहायक क्रिया से शुरू हो, वो चाहे प्राइमरी एक्सिलरी हो या मॉडल एक्सिलरी हो, अर्थात डू डज डिड, इज आर एम वाज वेयर, हैज हैव हैड, शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट आदि से वाक्य जब शुरू हो, माने पहले यही आ जाए, तो वह अंग्रेजी का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और हिंदी का आप सुन लीजिएगा दोबारा, और डब्ल्यू एस टाइप जब वाक्य की शुरुआत किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से हो अंग्रेजी में, वेन आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, वाई आ जाए आदि, हुज आ जाए, हुम आ जाए, तो हम उसे हम डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सीधे हु आ जाए तो क्या होगा, हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। इसका रूल आप लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एलबी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, पहले हम डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, इनमें से कोई एक लिखेंगे। और यह कैसे लिखेंगे, हर जगह डू लिख नहीं देंगे, हर जगह डज लिख नहीं देंगे, इसके लिए हमें कर्ता को पहले हिंदी में देखना होगा। कर्ता है थर्ड पर्सन एकवचन है तो हम डज लिखेंगे, अन्यथा हम डू लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बचता है वो लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका हम कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स। क्या आप मुझे जानते हैं? दूसरा उदाहरण, क्या मेरा भाई समय से स्कूल पहुंचता है? एक और उदाहरण लिख लीजिए, क्या अंत में भारत मैच जीत जाता है? क्वेश्चन मार्क। अर्थात इसमें सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, इसके लिए हम कर्ता के पास जाएंगे। यह क्या है, दिस इज सब्जेक्ट आप, और क्रिया क्या है, जानते हैं, यह क्या है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए यू यानी कि सेकंड पर्सन है, अर्थात सेकंड पर्सन के साथ डज नहीं लगता है, डू लगता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, डू, फिर क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे, क्रिया नो, और फिर क्या लिखेंगे, मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी। ऐसे क्या मेरा भाई समय से स्कूल पहुंचता है, इसमें करता क्या है, मेरा भाई, यदि यह रहता मेरा छोटा भाई तो भी मेरा छोटा भाई पूरा करता हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, क्योंकि मेरा भाई, मेरा माई ब्रदर, यह क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन है। और यदि यह रहता कि मेरे भाई माने बहुत से भाई, तो थर्ड पर्सन तो होता लेकिन यह बहुवचन होता, तब हम डज नहीं लगाते, डू लगाते, क्योंकि वह बहुवचन हो जाता। डज माई ब्रदर, डज माई ब्रदर। अब इसके बाद से क्रिया है, देखिए बीवन, बीवन क्या है इसमें, पहुंचना यानी कि रीच, रीच, और कहां पहुंचता है, स्कूल, एस सी एच डबल ओ
यल स्कूल, और समय से या तो इन टाइम लिखिए या टाइमली लिखिए, दोनों सही है। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह सकते हैं सर इन टाइम पहले लिख दें और स्कूल बाद में लिख दें, तो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि रीच पहुंचने का जो ऑब्जेक्ट है, पहुंचने का जो उद्देश्य है, वह इन टाइम नहीं है, स्कूल है। कहां पहुंचते हैं? स्कूल पर। यानी यह क्रिया कहां जाकर रुकती है? स्कूल पर। तो पहले स्कूल ही होगा। क्या अंत में, यहां में है, मैं छूट गया हमसे, क्या अंत में भारत मैच जीत जाता है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डू या डज? तो इसमें करता क्या है भारत, तो डज। आप चाहे तो डू भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भारत जो है वह किसी देश का नाम नहीं कहा जाएगा, यहां भारत एक टीम है, डू इंडिया, डू इंडिया, यह इंडियन टीम को इंगित कर रहा है। डू इंडिया क्रिया क्या है, विन, और क्या जीत जाता है, मैच, तो द मैच। यहां मैच, द मैच क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैच खेल रहे हैं वो पहले से ही निश्चित है, इसलिए हम यहां द का प्रयोग करेंगे। डू इंडिया विन द मैच, और क्या अंत में, एट लास्ट, एट लास्ट, ऐसे आप बनाएंगे। ये आपके तीन उदाहरण हो गए, और कुछ उदाहरण लीजिए। चौथा उदाहरण, क्या उनका बेटा, क्या उनका बेटा खूब पैसा कमाता है? पांचवा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? छठवां उदाहरण, क्या राकेश कक्षा में शोर करता है? तीन उदाहरण। अब डू या डज लिखेंगे, तो उनका बेटा, योर सन पहले ही लिख दीजिए, यदि आपको बहुत दिक्कत हो रहा है तो देखिए थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन है, ऑफ कोर्स या थर्ड पर्सन एक वचन है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज योर, सॉरी योर नहीं होगा, हिज होगा, उनका, हिज, आप हर वे लिख सकते हैं, डज हिज सन, और कमाना का अंग्रेजी क्या होगा, अर्न, ई ए आर एन, अर्न, ए हू पैसा, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, डज हिज सन अर्न ए लॉट ऑफ मनी। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? ऑफ कोर्स यहां पर डू लगेगा, डू यू, डू या डज में से एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्रिया लिखेंगे, तो क्रिया क्या है, बिलीव, विश्वास करना, बी ई एल आई ई वी, यह स्पेलिंग ठीक से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बिलीव, अचीव, रिसीव, डिसीव आदि आदि, डू यू बिलीव, और भगवान में, इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड। अब आगे देखिए, क्या राकेश कक्षा में शोर करता है, तो डज, राकेश एक वचन है, राकेश, और शोर करना, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। मैं समझता हूं आप लोग इसको ठीक से लिख लेंगे, समझ लेंगे, और उदाहरण आप इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको यह समझ में ठीक से आएगा, रूल को जरूर फॉलो करिएगा। ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
अब मैं बताऊंगा आप लोगों को डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या होगा। इसका रूल होगा पहले हम लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का यदि आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल याद है तो आप समझ लीजिए कि आपको डब्ल्यू एच टाइप का भी रूल याद है। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले रूल को उतार कर सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख देना है, वह आपका डब्ल्यू एच टाइप रूल हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एल वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी क्वेश्चन। देखिए जो आपने इसके पहले रूल लिखा यस नो टाइप, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही आसान है, समझे, किसी भी रूल के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो अर्थात सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, फिर डू या डज में से एक लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ईटीसी लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप लीजिए, एग्जाम्पल्स पहला आप कहां रहते हैं, दूसरा उसे क्या पसंद है, तीसरा आपको क्या चाहिए, चौथा वह आपको क्यों परेशान करता है, वह आपको क्यों परेशान करता है, पांचवा इस पाठ से आप लोग क्या सीखते हैं। इसने उदाहरण पढ़ा उन्होंने, आप कहां रहते हैं, कहां, ये डब्ल्यू एच टाइप है, इंट्रोगेटिव मार्क भी दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद से डू या डज में से कोई एक लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, करता आप, तो आपके हिसाब से डू, तो ये वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, उसे क्या पसंद है अर्थात व्हाट डज ही लाइक। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस वाक्य को कई तरह से बोल सकते हैं, ले सकते हैं, उसे क्या पसंद है, वह क्या पसंद करता है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन एक ही जैसा बनेगा। अब आपको क्या चाहिए, इसमें तो न ता है न ती है न ते है न ताऊ नहीं आया है, लेकिन आपको क्या चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं, तो हो जाएगा व्हाट डू यू वांट, ऐसे व्हाट डू यू वांट। इसके बाद से हुआ आपको क्यों परेशान करता है, तो ये हो जाएगा वाई, क्यों का अंग्रेजी, ध्यान दीजिएगा व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या 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 क्या, इतना होता है, और वाई का मतलब क्या होता है, जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि वाई का मतलब क्यों, लेकिन वाई का मतलब सिर्फ वाई क्यों नहीं होता है, वाई का मतलब क्यों, किस कारण किस वजह से, यह भी होता है, किस कारण किस वजह से भी होता है वाई। अतब ध्यान दीजिएगा इसमें कर्ता क्या है, वह, यानी कि डज, वाई डज ही, और क्या है क्रिया इसमें, परेशान करना, तो डिस्टर्ब, डी आई एस टी यू आर बी, आपको ऑब्जेक्ट, वाई डज ही डिस्टर्ब यू, और इस पाठ से आप लोग क्या सीखते हैं,
इस पाठ से आप लोग क्या सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, क्या, व्हाट, और तब डू या डज में से, तो इसमें कर्ता क्या है, आप लोग, डू, और कर्ता क्या हो जाएगा, यू, और सीखने का अंग्रेजी लर्न, व्हाट डू यू लर्न इस पाठ से, फ्रॉम दिस लेसन, चैप्टर भी आप लिख सकते हैं, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन। ये कुछ वाक्य मैंने आपको बताया और कुछ वाक्य मैं आपको लिख के बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे और उदाहरण देखिए आप, आपका मित्र किस गांव में रहता है, हम सबसे अधिक किसे प्रेम करते हैं, वह किसके मकान में रहता है, अगला उदाहरण आप लिखेंगे, अधिकारी महोदय कार्यालय कितने बजे आते हैं। चार बार, आपका मित्र किस गांव में, ध्यान दीजिएगा, किस गांव में, किस शहर में, किस स्कूल में, किस देश में, ऐसे भी उदाहरण आपको मिलते हैं। तो किस गांव में, ये आपका इसमें यदि आपसे पूछा जाए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे किस गांव में, यानी किस गांव में पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, किस शहर में ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, किस देश में, किस स्कूल में ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, तो हो जाएगा इन, विच, इन विच विलेज, अर्थात डू या डज, डज योर फ्रेंड रहता है, लीव। एक बात और ही बताऊं, हमने रूल तो लिखवाया आपको, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट आदि, तो इसमें हमने तो पहले इन लिख दिया, आप यदि चाहें तो विच विलेज डज योर फ्रेंड लीव इन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप इसको, अब आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली में ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, बिकॉज इन इज यूज, इन इज ए प्रीपोजिशन एंड इन इज यूज बिफोर डब्ल्यू एच वर्ड, सो इट इज इनकरेक्ट टू राइट एंड से। यदि हम राइट लिखना चाहते हैं तो इसको हम लीव के आगे यानी कि वर्ब के आगे लिख देंगे तो यह सही हो जाएगा, वैसे इसे भी लिखा है क्योंकि यह ट्रेडिशन बन गया है ऐसा बोलने का लिखने का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सबसे, हम सबसे अधिक किसे प्रेम करते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, हुम, किसे, डब्ल्यू एच ओ एम, और तब डू लिखेंगे, तब वी लिखेंगे, लव लिखेंगे यानी क्रिया, और तब लिखेंगे मोस्ट, ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक शब्द हुम, वी के अनुसार डू फर्स्ट पर्सन है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो बचा वो हुम डू वी लव मोस्ट,
वह किसके मकान में रहता है? इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? किसके मकान में? इन हूज बिल्डिंग, इन हूज बिल्डिंग, अब तब लिखेंगे हम क्या? डज ही लीव। ध्यान दीजिएगा, यहां लीव दो बार आया, इससे बहुत पसंद होने की जरूरत नहीं कि दो बार फिर एक बार बता रहा है। एक्चुअली में इसमें हमको इंगित यह करना है कि प्रश्नवाचक शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। इन हूज बिल्डिंग, किसके मकान में, किसके घर में, तो किसके घर में, यानी घर जिसका होगा वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, वह सजीव होगा, इसलिए हम हूज लिखेंगे। अधिकारी महोदय का कार्यालय, अधिकारी महोदय कार्यालय कितने बजे आते हैं, यानी कि कितने बजे, किस समय या कब, कितने बजे, किस समय या कब, इन तीनों की अंग्रेजी when, 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 उसके बाद से अधिकारी महोदय, does the officer, when does the officer, और आते हैं कम, अब टू हिज ऑफिस चाहे तो आप लिख लीजिए, टू हिज ऑफिस, वेन डज द ऑफिसर कम टू हिज ऑफिस, ये इतना वाक्य हुआ। वैसे बहुत सारे उदाहरण और भी बताए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हु टाइप का। हु टाइप रूल, रूल में आप लिखिए हु प्लस एलवी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। आफ्टर रीडिंग और राइटिंग दिस रूल ऑफ हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए कंफ्यूजन कम्स इनटू आवर माइंड। एंड व्हाट इज द कंफ्यूजन? मेनी स्टूडेंट्स मे आस्क, सर वेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सर वेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो मैं आपको यह बताऊं कि इसमें कर्ता कहां है। हु, देयर आर फोर वर्क ऑफ द इंट्रोगेटिव वर्ड हु, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड हु के चार कार्य होते हैं। पहली बात, यह प्रश्नवाचक शब्द का कार्य करता है। दूसरी बात, यह सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। और तीसरी बात, यह एकवचन भी है। और चौथी बात, यह बहुवचन भी है। सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी कार्य करता है, एकवचन भी है और बहुवचन भी है। अब यह वाक्य पर डिपेंड करता है कि वाक्य किस प्रकार का दिया जा रहा है। यदि वाक्य बहुवचन होगा, यानी हु से बहुवचन का बोध होगा, तो सिर्फ हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। और यदि उसे एकवचन का बोध होगा हु से, तो हम उसमें यस या यस जोड़ेंगे। आप दूसरे तरह से यदि आप सोचें, तो आप बताइए, यदि इसके जगह पे मैं यह यस लिख दूं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एलवी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अर्थात किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव रूल और हु टाइप का अफर्मेटिव रूल एक ही जैसा होता है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यदि हम हु रख दें, तो वह हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया किसी भी सेंटेंस का। ओके, तो हम आप लिखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स। जैसे गणित कौन कौन पढ़ते हैं, आज के जमाने में कुर्ता पजामा कौन पहनता है, चलिए दो समझते हैं हम लोग। गणित कौन कौन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, कौन कौन, यानी यहां जो अंग्रेजी गणित पढ़ने वाले हैं वह एक से अधिक हैं,
तो हम पहले लिखेंगे हु, फिर लिखेंगे रीड या स्टडी, रीड या स्टडी, इसमें यस या यस फॉर्म नहीं लगाएंगे। हु रीड या स्टडी क्या? मैथ्स, मैथ्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कभी भी हम मैथ बोले तो मैथ ना बोले, मैथ्स बोले, मैथ्स, या तो मैथ्स बोले या मैथमेटिक्स बोले, मैथ नहीं होता है। तो हु रीड या स्टडी मैथ्स। आज के जमाने में कुर्ता पैजामा कौन पहनता है? तो हु पहनने का क्या होगा? वियर, डब्ल्यू ई ए आर, डब्ल्यू ई ए आर, यस। हु वियर्स क्या? कुर्ता एंड पैजामा, कुर्ता एंड पिजामा। आज के जमाने में इन दिस एज, क्वेश्चन मार्क। और कुछ उदाहरण और आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। कक्षा में ये भी मत लिखिए, इस युग में सत्य कौन बोलता है? इस युग में सत्य कौन बोलता है? तो इसमें हम लिखेंगे हु बोलता है, थर्ड पर्सन एक वचन जैसा लग रहा है, तो स्पीक्स, एस पी ई ए के, हु स्पीक्स, और दी ट्रुथ इन दिस एज, ऐसे। ध्यान दीजिएगा, सच बोलने के लिए स्पीक लिखते हैं और झूठ बोलने के लिए टेल लिखते हैं। कभी भी हम टेल द ट्रूथ नहीं लिखते हैं या स्पीक ए लाई नहीं लिखते हैं, टेल ए लाई या और स्पीक द ट्रूथ, यह हमेशा हम लिखते हैं। एक आध उदाहरण और मैं आप लोगों को बता दूं, सच्चाई के मार्ग पर कौन चलता है? और एक उदाहरण और लिख लीजिए आप लोग, आप लोगों में से गांधी जी के बारे में कौन जानता है? तो सच्चाई के मार्ग पर कौन चलता है, यानी हु वॉक्स ऑन द वे ऑफ द ट्रुथ। फिर आप लोगों में से गांधी जी के बारे में कौन जानता है? हु नोज अबाउट गांधी जी, और तब आप लोगों में से, अमंग यू, दो से अधिक हमने माना इसलिए अमंग लिखा है, दो होता है यदि दो स्टूडेंट होते, आप लोगों में से दो, यानी दो के बारे में सेंस होता तो हम लिखते बिटवीन, हमको लग रहा है कि दो से अधिक हैं इसलिए हमने अमंग लिखा है। तो इस प्रकार हमने आज के क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, जिसमें हमने जाना क्या नाम है, ये यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच।